हेलो दोस्तों, बहुत 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 स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल AI वॉक में। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारा 18600 वाट DX का 78N मॉडल। तो उसका करने वाले हैं साउंड टेस्टिंग। साउंड टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर सारा सेटअप कर लिया है। सेटअप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है, जो इसकी पावर मैंने यहाँ से ली हुई है, इस बोर्ड से जो निकली हुई है वही पावर ली है, और ये मैंने इसका ऑडियो कनेक्शन यहाँ से कर दिया है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखना चाहेंगे, मैंने यहाँ पे इसके स्पीकर दो कनेक्ट कर दिए हैं हमारे। ये हैं हमारे 12 इंच के दो स्पीकर, और ये वाला स्पीकर जो आपने लास्ट देखा होगा मेरे ऑनलाइन स्टोर पर, तो वो स्पीकर हमारा A1 का है। आप देख सकते हैं A1 का स्पीकर है, उसकी भी हमारी साउंड टेस्टिंग आज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट देने के लिए, देखिए 12 वोल्ट की पावर सप्लाई 30 एम्पीयर लगा रखी है, और ये हमारा ऑलरेडी सारा सेटअप कंप्लीट है। तो अब चलिए इसको हम पावर ऑन करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से, फिर दिखाते हैं आपको इसका साउंड टेस्टिंग क्या है, इसकी साउंड टेस्टिंग कैसी है, इसकी साउंड क्वालिटी। तो चलिए इसको ऑन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है पावर से। तो देखिए हमारे पावर सप्लाई में पावर आ चुकी है, और इसकी पावर हमने इसमें बोर्ड में दी है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो साथ ही साथ मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है अपना ब्लूटूथ डिवाइस। इसको हमने प्ले करने के लिए पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर लिया है। एक्चुअली मेरे ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ब्लूटूथ तो एक ही फ़ोन है मेरा। तो कर लिया है हमने कनेक्ट अपने पेन ड्राइव से मैंने कनेक्ट कर लिया है, पेन ड्राइव लगा दिया है, और देखिए पेन ड्राइव हमारा चल भी रहा है, मैंने पॉज किया हुआ है। तो ये स्पीकर के कनेक्शंस हो गए हैं हमारे सारे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड भी बिल्कुल चालू है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दो अपने टॉप कनेक्ट किए हुए हैं, 12 इंच के दो टॉप हैं। तो ये हमारे कनेक्ट हैं, 200 वाट के हमारा ये स्पीकर हैं, 200 200 प्लस इसमें 80 80 वाट के हमारे ट्विटर लगे हुए हैं, यानी कि 280 280, ऑलमोस्ट 300 300 वाट के हमारे दोनों टॉप हमारे रेडी हैं। तो और हमारा ये है DX का 78N जो साउंड टेस्टिंग के लिए रेडी है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं और देखते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग की क्वालिटी क्या है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, और करते हैं प्ले अपने इस बोर्ड को। तो चलिए मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो बोर्ड है वो प्ले हो चुका है, इसमें सॉन्ग चालू हो चुका है, और इसकी मैं धीरे धीरे करके आवाज़ खोलता हूँ। इस समय आवाज़ जो सुन रहे हैं आप वो इसकी नेचुरल आवाज़ है, नॉर्मल आवाज़ है, मैंने कोई भी बेस ट्रेबल इसका ओपन नहीं किया है। तो चलिए इसकी वॉल्यूम को लाउड करते हैं थोड़ा सा। ये इसकी नॉर्मल आवाज़ है, इसमें मैंने कोई भी बेस ट्रेबल ऑन नहीं किया है। अब मैं इसको प्ले करूँगा और हल्का सा बेस और ट्रेबल दोनों ही इसके धीरे धीरे करके मैं ऑन करूँगा, तो आप इसका देखिएगा इसकी आवाज़ में क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों सीरियसली इसके बेस में जो पंच आ रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त पंच आ रहा है, और बहुत ही अच्छा फील इसका पंच का है बेस का। तो आप खुद सुन सकते हैं अपने कानों से। तो इसको सुनने के लिए आप जो अपना हेडफोन्स का ज़रूर यूज़ करें, ईयरफोन का ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको इसका बेस पंच। We'll be right back.
दोस्तों ये सुना आपने इसमें NCS का सॉन्ग, अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ इसके अंदर कॉपीराइट सॉन्ग, नॉर्मल सॉन्ग जो हमारे होते हैं। तो चलिए थोड़ी सी झलक मैं आपको उसकी भी सुना देता हूँ और देखते हैं इसकी नॉर्मल सॉन्ग पे हमारी क्या परफॉर्मेंस होती है इस बोर्ड की। तो चलिए मैं प्ले करता हूँ अपना कॉपीराइट सॉन्ग जो हमारे नॉर्मल सॉन्ग होते हैं।